हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग इन दिनों फिल्मों से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। दो दशकों से दर्शकों को एंटरटेन कर शाहरुख खान को अभी भी काम की कमी नहीं है, लेकिन वे कुछ पल सुकून से अपने घर पर रह रहे हैं। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। इस घर को शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने सजाया है। गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। गौरी ने ये घर 1920 सदी के हिसाब से डिजाइन किया है। पहले इसे विला वियना के नाम से जाना जाता था। अब इस बंगले पर शाहरुख खान राज करते हैं। मन्नत से पहले शाहरुख खान वहीं पास में रहा करते थे। शाहरुख हमेशा से इस बंगले को खरीदना चाहते थे। बता दें कि मन्नत में सनी देओल की फिल्म नरसिम्हा का क्लाइमेक्स शूट हुआ था। इस जगह पर डेविड धवन की गोविंदा स्टारर 16 और सबनम की शूटिंग भी हुई थी। शाहरुख खान ने अपनी कैरियर के शुरुआती दिनों में यह बंगला 13.32 करोड़ रुपये में खरीदा था। शाहरुख खान इसका नाम जन्नत रखना चाहते थे, लेकिन फिर मन्नत रखा। मन्नत के बारे में शाहरुख खान कहते हैं, मैं हमेशा समझता था कि वो जगह मुजरा सेट है या किसी विलन का अड्डा। शाहरुख के इस बंगले का ढांचा 20वीं सदी के ग्रेड 3 हेरिटेज का है, जो हर ओर से खुलता है, आसमान की ओर, पीछे की ओर, किनारे की ओर। इसमें 5 बेडरूम हैं, मल्टीपल लिविंग एरिया, एक जिम एरिया है और लाइब्रेरी जैसी हर सुख सुविधा यहाँ मौजूद है। इसके मालिक मूल गुजरात के पारसी किकू गांधी थे। मुंबई की आर्ट दुनिया में एक बड़ा नाम रखने वाले किकू गांधी मुंबई के प्रतिष्ठित सीमोल्ड आर्ट गैलरी के भी संस्थापक हैं। शाहरुख ने इनसे यह बंगला खरीदा था। मुंबई स्थित फकीय एंड एसोसिएट ने मन्नत को संवारा है। इन्होंने लाइट लेटेड बॉक्स से जोड़कर एक उपवन बनाया, जिसे कैप फकी इंटरनेशनल सेंटर कहते हैं। बंगले के इंटीरियर के साथ स्टाइलिंग का काम खुद गौरी ने किया है। वे बताती हैं कि इसके लिए उन्हें 4 साल से भी अधिक का समय लगा। वे ट्रैवलिंग करती, एक एक चीज़ खुद अपनी पसंद से खरीदती और घर के हर कोने को पूरी शिद्दत से सजाती ताकि सब परफेक्ट लगे।